हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहे के पकोड़े। यह पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह मैंने पोहे लिया है, इसको 2 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डाल करके 5 मिनट तक रख देंगे ताकि पोहे अच्छे से फूल जाएं। अगर पतला वाला पोहा रहेगा तो उसको पानी डाल के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मोटा वाला है इसलिए मैंने पानी डाला है इसमें। 5 मिनट बाद मैंने पानी निकाल दिया है इसका। 2-3 मिनट और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पानी इसका थोड़ा सूख जाए। तो ये देखिए, अब पोहे अच्छे से फूल गए हैं पकौड़े बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, दरदरा कुटा हुआ धनिया डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, पोहे को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सूखा सा लग रहा है तो 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल करके मैश कर लें। तो ये देखिए, अच्छे से पोहे मैश हो गए हैं। अब इस तरीके से बॉल्स बना करके इसको हाथ से दबा के थोड़ा सा चपटा करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके का बनाना है। इसी तरीके से पूरी टिक्कियां बना लेंगे। आपके घर जब भी कोई गेस्ट आए तो आप जल्दी में अगर बनाना चाहें तो ये पकोड़े बनाएं, बहुत पसंद भी आएंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो ये देखिए, इतनी टिक्कियाँ मैंने बना लिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल करके गरम करेंगे। तो ऑयल गरम हो गया है, पकौड़े डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। पकौड़े एक साइड थोड़े से सिक गए हैं, इसको पलट लेंगे और 2-3 बार इसी तरीके से पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए, पकौड़े फ्राई हो गए हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं देखने से ही पता चल रहा है। इसी तरीके से पूरे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरे पकोड़े बना लिया है मैंने। ये पकोड़े आप सॉस के साथ, टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ ये पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारा पकोड़ा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।